वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन केयर रूटीन चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइए। मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि मैं स्किन केयर रूटीन बनाऊँ, तो मैं आ गई हूँ एक न्यू स्किन केयर रूटीन के साथ। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। सो गाइस, आज के क्लीनअप के लिए आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। वो है एक एम्प्टी बाउल, राइस वाटर, मसूर दाल, हनी, दही और जो आपने राइस सोक किया था उसको ग्राइंड करके 2 स्पून लेने हैं। तो आपको जो राइस वाटर है उसे सिंपली फेस को वॉश कर लेना है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रब। स्क्रब के लिए आपको 2 टेबल स्पून मसूर दाल लेनी है, 1 टेबल स्पून हनी लेना है और उनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और आपके स्किन को आपको वेट करना है और हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए स्क्रब को और सर्कुलर मोशन में आप अपनी स्किन को रब करिए। सो गाइस, जो मसूर दाल होती है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करती है, स्किन को वाइट करेगी और लाइट करेगी। हनी हमारे स्किन को नरिश करेगा और हनी हमारे स्किन को ग्लो भी देता है। हनी में एंटी बैक्टीरियल फंक्शंस होते हैं जो हमारी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो जब भी आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो आप सिंपली हनी लें और अपने स्किन में लगा लें और जब तक वो सूख नहीं जाता उसको रखे रहें और फिर सिंपली वाटर से वॉश कर लें। ये आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग और हेल्दी भी करेगा। आपकी स्किन के हर एक पार्ट में आपको सर्कुलर मोशन में एक बार मसाज करना है, उससे आपकी डेड स्किन भी चले जाएगी क्योंकि स्क्रब का मेन फंक्शन यही होता है कि वो डेड स्किन को बाहर करे। आपका स्क्रब होने के बाद आप सिंपली अपने फेस को वॉश कर लीजिए और एक क्लीन टॉवल से आप अपने फेस को सुखा लीजिए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरी स्किन सिर्फ स्क्रब से ही कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है। डेड स्किन चले गए हैं, मेरे ब्लैक हेड्स नहीं हैं, मेरे वाइट हेड्स नहीं हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। जो आपने सोक्ड राइस को ग्राइंड करके रखा था उसको 1 टीस्पून दही में मिक्स कर लीजिए और उसको अपने फेस पे एज अ पैक लगा लीजिए। राइस हमारे स्किन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। राइस आपके स्किन को सन टैन से भी बचाएगा और सन बर्न से भी बचाएगा। अगर आप डेली बेसिस में अगर सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप राइस पैक को डेली यूज़ करें या फिर वीकली ट्वाइस यूज़ करें, उससे आप धीरे धीरे अपना सनस्क्रीन यूज़ करना भूल जाएंगे। इस राइस पैक में दही भी है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके डेड स्किन को रिमूव करेगा और अगर आपके स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं तो वो लाइटन भी करेगा। अगर आप अपनी स्किन पे दही डेली या फिर वीकली ट्वाइस यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन स्मूथ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। पैक को सूखने में 6 to 8 मिनट्स लगे हैं। अब ये सूख गया है और अभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज, आप खुद देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन और ग्लोइंग लग रही है। मैं यही स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग में ट्वाइस इन अ वीक फॉलो करती हूँ और अगर कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं थ्राइस इन अ वीक भी कर लेती हूँ। इससे आपकी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सन टैन से आप बचेंगे। अगर आप डेली बाहर जाते हैं, धूप में काम करते हैं तो आपको ये फेस पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप घर पर ही रहते हैं या AC में ही रहते हैं तो भी आपको ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जो डेड स्किन है वो भी बाहर होगी। स्किन केयर रूटीन के लिए पैक, मॉइस्चराइज़र, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको और भी ध्यान रखनी होती है। स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे मूड, हमारे न्यूट्रिशन और हमारी लाइफस्टाइल पे भी। तो अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और बनाना चाहते हैं तो गाइस, अपने मूड को बहुत अच्छा रखिए, डेली योगा करिए, डेली मेडिटेशन करिए, डाइट में हेल्दी फूड्स खाइए। लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपका मूड अच्छा होगा। आपका मूड अच्छा होगा तो आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगेगा। आपकी बॉडी को लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन और हेयर बहुत अच्छे बनेंगे। तो ऑलवेज पैम्पर योर सेल्फ ट्वाइस इन अ वीक और डेली। इट्स सो बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो गाइज, आई होप आपको ये स्किन केयर रूटीन बहुत कन्वीनियंट लगेगा और मैं जानती हूँ कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे ही अवेलेबल होंगे तो आप ये जरूर ट्राई करिए। और मैं जानती हूँ गाइज कि बहुत बिजी शेड्यूल होते हैं तो ये जो स्किन केयर रूटीन है आप ये मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में या नाइट में आप कभी भी कर सकते हैं, आप जब भी फ्री और कम्फर्टेबल रहें। और गाइज, वीक में ट्वाइस आपको अपने आप को पैम्पर करना है विद गुड स्किन केयर रूटीन। और मैं आगे और भी अच्छे ऑप्शन लेके आऊंगी आपके क्लीनअप के लिए और अच्छे स्किन केयर और हेयर रूटीन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।